हेलो दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी कोटा बीएड 2022 का फॉर्म कैसे भरें? तो चलते हैं गूगल क्रोम पर, अपने मोबाइल से या लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। एड्रेस बार के अंदर वेबसाइट टाइप कीजिए bmou.ac.in। ठीक है, जैसे ही आपके पास ओपन यूनिवर्सिटी का होम पेज खुलता है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नीचे की तरफ आना डायरेक्ट करते हुए, तो यहाँ पर आपको सिंपली एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडमिशन। आपको यहाँ पर एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करते तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होगी। तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे फ्रेश एडमिशन 25 मार्च 2022, ठीक है, फिर प्रिंट फॉर्म अप्लाई नाउ। ठीक है, इसी तरीके से जो बच्चे प्रमोट हुए सेकंड थर्ड ईयर के अंदर, उनके भी एडमिशन्स के लिए यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं। इसी तरीके से बात आती है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि बीएड का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है। तो चलते हैं बीएड के फॉर्म पर स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से आप इस फॉर्म को देखिए। आप मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इस फॉर्म को भरना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, जिसमें लिखा हुआ है कार्यक्रम का विवरण। तो यहाँ पर कार्यक्रम कोड डालना है जो भी आपका है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बीएड, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ बीएड में, तो यहाँ पर कार्यक्रम कोड क्या होएगा अपन का, बीएड। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है क्षेत्रीय केंद्रीय परीक्षा केंद्र शहर। आप एग्जाम सेंटर कौन सी जगह रखना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम सेंटर रखा अजमेर। इसी तरीके से आप कोई भी एनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर फीस डिटेल। तो अगर आप ई मित्र के माध्यम से भरवाते हो फॉर्म, तो ई मित्र के माध्यम से टोकन कटेगा। अगर आप डायरेक्टली बीएमओ की वेबसाइट से फॉर्म को फिल करते हो, तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से 1000 रुपये का टोकन कटवा सकते हो। उसके बाद आता है आपका आवेदक व्यक्तिगत विवरण। तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है, जो भी आवेदक का नेम है, जैसे सद्दाम हुसैन हुआ। फिर उसके बाद आपको जन्म तिथि लिखनी है, साथ साथ 1995। फिर आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम लिखना है, फिर आवेदक की माता का नाम लिखना है आपको। फिर जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आता है स्टेट, स्टेट जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो तहसील लगती है उस तहसील को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपकी तहसील का जो पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है जो आप इस फॉर्म के अंदर देना चाहते हो, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपका जेंडर से डालना है, जैसे आप मेल हो या फीमेल तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति आती है, क्या आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आती है कैटेगरी श्रेणी। कैटेगरी का मतलब होता है जैसे ओबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ या एमबीबीसी हुआ, ठीक है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो इसके अंदर जैसे विधवा हुआ, ठीक है, डिवोर्स तलाकशुदा हुआ, ये नॉट एप्लीकेबल हुआ, कश्मीरी माइग्रेट हुआ, ठीक है ना, रक्षाकर्मी आर्मी हुआ। तो मान लिया जाए जैसे आप इनमें से कोई भी हो, ठीक है, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिंपली किस पे क्लिक करूँगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है सर। उसके बाद आता है इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीजनल। रीजनल का मतलब होता है धर्म, जैसे आप हिंदू धर्म से हो या फिर ईसाई धर्म से हो या फारसी हो या फिर मुस्लिम हो, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया जैसे मुस्लिम। उसके बाद आता है इसी के अंदर नेशनलिटी। नेशनलिटी आप सभी को पता ही है, इंडियन होती है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपने अगर रोज़गार का फॉर्म भरा हुआ है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, मेरे पास कोई भी रोज़गार का कोई भी साधन नहीं है, ठीक है, मैं कोई भी काम धंधा नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है अनएम्प्लॉयड करेंगे। उसके बाद आता है एरिया, ठीक है, आपका क्षेत्र, मतलब आप ग्रामीण के हो या फिर शहरी क्षेत्र के, ठीक है, मैं तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र का हूँ, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मैं अर्बन पर क्लिक करूँगा। अगर ग्रामीण के लिए होता तो रूरल पर क्लिक करते, तो अब मैं क्लिक करूँगा अर्बन, क्योंकि मैं सिटी के अंदर रहता हूँ। उसके बाद आता है डोमिकल ऑफ राजस्थान, फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन यू मस्ट हैव डोमिकल ऑफ राजस्थान फॉर विच यू नीड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट। ठीक है, क्या आपके पास राज्य का सर्टिफिकेट है? यस, तो मैं यहाँ पर यस करूँगा। ठीक है, हर स्टेट के अंदर बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, जिसको निवास के सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, तो मैंने यहाँ पे यस किया। उसके बाद आता है करेंटली प्राइमरी स्कूल टीचर क्लास एक से लेकर पाँचवीं एंड एक से लेकर आठवीं, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। उसके बाद आती है डिसबिलिटी, अगर आप जैसे विकलांग हो या फिर आँख से कुछ भी हो या फिर हाथ से विकलांग हो, ठीक है, तो इस तरीके से डिसबिलिटी होती है, अगर आपके पास है तो इनको आप यस कर सकते हो। यहाँ पर चेकबॉक्स पर राइट का निशान लगाना, तो डिसबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कौन सी डिसबिलिटी है आपके पास, जैसे सिक्स वाली है या फिर एच आई है फिर या फिर एल डी है या फिर आई डी या फिर एम डी, इनमें से कोई भी एनी सेलेक्ट करना। जैसे मेरे पास डिसबिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पर चेकबॉक्स पर से निशान को हटा देता हूँ। उसके बाद आता है इसी के अंदर एनुअल इनकम, तो सिंपल सी बात है मेरी तो कोई एनुअल इनकम है ही नहीं, तो यहाँ पर आप जीरो जीरो कर सकते हो। अगर आप देना चाहो इनकम जैसे 10,000 20,000, तो वो भी डाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका आधार नंबर, तो यहाँ पर आप सिंपली किसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आधार नंबर, तो ये आपके जो भी आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि वेटर बिलोंग टू मिनोरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हो। अगर आप जैसे मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं तो अल्पसंख्यक के अंदर आता हूँ, जैसे हिंदू लोगों के लिए अल्पसंख्यक का प्रयोग नहीं होएगा, तो यहाँ पर मैं सिंपली नो पर क्लिक करूँगा अगर हिंदू हूँ तो, अगर मुस्लिम है तो यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे। ठीक है नितिन, उसके बाद आता है इसी के अंदर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, जिसकी लेस देन साइज कितनी होती है 50 KB, अर्थात फ़ोटो और साइन जब आप स्कैन करोगे तो उसको 200 DPI के अंदर स्कैन करना, जिससे आपकी फ़ोटो की साइज क्या है 50 KB से कम बनेगी। तो यहाँ पर सिंपली मुझे एक फ़ोटो अपलोड करना है, तो मैंने यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक किया। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एनी एक फ़ोटो को सेलेक्ट करूँगा, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने यहाँ से कोई एनी फ़ोटो को सेलेक्ट किया। अभी कुछ वेट लगेगा यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे मेरा मान लिया जाए मेरा यहाँ पर फ़ोटो है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया फ़ोटो। चूज़ फाइल के अंदर जाना, ये क्या टाइम लेता है ना, इस वजह से वो क्या हट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपन का फ़ोटो आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर अपलोड फ़ोटो के अंदर आपकी फ़ाइल्स का नेम आ चुका है 22 KB, ठीक है ना, और इंग्लिश सद्दाम JPG। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करते हो तो ये अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आपने अपलोड किया तो देख सकते हो मेरा यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है। इसी तरीके से आप साइन ले सकते हो, तो साइन पर क्लिक करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करना। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना जो भी आपका सिग्नेचर है उस साइन को यहाँ पर सेलेक्ट करना। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो फिर उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना, तो आपका यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आती है एजुकेशन की बात, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, इसके अंदर सेलेक्ट पर क्लिक करना। यहाँ पर दे रहा है BSTC DELED। ठीक है, उसके बाद दे रहा है इक्विवेलेंट टू रियल्स रेगुलर प्राइमरी टीचर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स।
ठीक है, मतलब सर अगर जिसने BHTC कर रखी है वो भी बंदा इस फॉर्म को भर सकता है, जिन्होंने DELED कर रखी है वो भी बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन, इसका ताल नंबर का जो ऑप्शन होता है इसका प्रयोग किया, जैसे मान लीजिए आपने जैसे कोई प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाया है या फिर सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाया, जैसे आपको पता होगा बहुत से लोग हैं ना संविदा पर काम करते हैं, तो संविदा पर जब कोई बंदा 1-2 साल काम करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर जैसा अपन टाइम काफ़ी काम हो गया, ठीक है काफ़ी टाइम हो गया, तो आप प्राइवेट स्कूल से भी अपना एक ट्रेनिंग स्कूल का भी एक टीचिंग जो होता है सर्टिफिकेट टीचिंग का, उसको आप बनवा सकते हो और उस टीचिंग सर्टिफिकेट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हो तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया जैसे 2 रेगुलरली प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने प्राइवेट स्कूल के अंदर 5 साल पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने जो भी मेरा 5 साल का वो सर्टिफिकेट है वो मैंने इसको इशू किया। तो मैंने यहाँ पर ईयर है, तो ईयर के अंदर जैसे 2015, ठीक है, तो मैंने कब बनवाया था अपन का जो ये सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट की ईयर यहाँ पर डालनी है, किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी के द्वारा है, ठीक है उसको यहाँ पर डालना है। फिर सब्जेक्ट डाल देनी है आपको कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ाई तो 5 सब्जेक्ट या 5 लिया जाए, जैसे इंग्लिश पढ़ाई है तो इंग्लिश, उसके बाद परसेंटेज लिखनी है यहाँ पर और ग्रेड लिखना है। उसके बाद आता है यहाँ पर सेलेक्ट, दूसरा ऑप्शन आता है जैसे BA कर रहा था, तो यहाँ पर BA फिर BA की डिटेल आ जाएगी, आप जानते हो इतना, तो ईयर लिख देना, बोर्ड का नाम लिख देना, सब्जेक्ट लिख देना, परसेंटेज और डिवीजन। उसके बाद आती है इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन, अगर MA MCOM MSc है तो मैंने MA सेलेक्ट कर दिया, ईयर लिख देना कौन सी साल आपने पास किया थी, बोर्ड का नाम लिखना, MA किस सब्जेक्ट से किया था उसका नाम लिखना, फिर परसेंटेज लिख देना और डिवीजन जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आए तो उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है एनी अदर्स, जैसे मान लीजिए कोई अलग डिग्री है आपके पास और भी डिग्री है तो आप डाल सकते हो, नहीं कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आता है टीचिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछा गया है आपसे कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर शो करना है ईयर मंथ्स और दिन के अंदर। फिर अंडरटेकिंग पर राइट का चिन्ह लगाना है, और अंडरटेकिंग पर राइट का चिन्ह लगाने के बाद आपको सिंपली किस पर क्लिक करना है, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको 1000 रुपये का टोकन कटवाना पड़ेगा। फिर 1000 रुपये का टोकन को यहाँ पर कटवाने के लिए नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या फिर ई मित्र के माध्यम से भी आप कटवा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।